वाराणसी में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व विदेश मंत्री संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है और अगर 400 से अधिक सीट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिला तो संविधान के साथ भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। आरक्षण से समाज के पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि संयुक्त मोर्चा हर तरह से मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को लोकसभा के लिए अधिक से अधिक मतों को देकर विजयी बनाए। सब कुछ सारी परीक्षा करने के बाद, फिजिकल करने के बाद उसे कहा गया कि नहीं, अब हम नई स्कीम लागू कर रहे हैं इसलिए आपको हम नहीं ले सकते, इसको हम कोर्ट में लड़े, कई बार लड़े। तीन दिन पहले मैं फिर हाईकोर्ट में गया था हजारों ऐसे बच्चों को की बात को वहां रखने, लेकिन सरकारी स्कीम को रद्द नहीं कर सकता कोर्ट, इस बात को हमें सुनना पड़ा। और इसलिए राहुल जी ने कहा है कि इस स्कीम को ज्यादा हम करेंगे और हम तब करेंगे जब हमारी सरकार 4 तारीख को बन जाती है।